आदरणीय साथी, पेट्रोल डीजल के दाम में दो कंपोनेंट सबसे बड़े होते हैं। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और दूसरा भारत सरकार द्वारा लगाई गई एक्साइज ड्यूटी। ये सबसे बड़े कंपोनेंट है। लगभग 70-75% प्राइसिंग का कंपोनेंट इन दो कंपोनेंट से आता है। तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटती है तो राहत आपको, मुझे, देश के लोगों को नहीं मिलती है। पर अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई कीमतें हमारे पे थोप दी जाती है। जब कीमतें घटती है तो उस घटक को आम उपभोक्ता को नहीं दिया जाता, उस घटक के बराबर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार बढ़ा देती है। तो हमारा ये सवाल है, हमारा ये मुद्दा है जो हम कहना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल में अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी जैसे अभी कम की ना, तो स्टेट की जो वैट है वो उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगती है। तो अगर केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दें तो स्टेट वैट भी कम हो जाएगी। तो ये कहना कि भाई वो सरकार क्यों नहीं करती, आप डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार, क्या सिर्फ आप मुख्यमंत्री बदलने का ही काम कर सकते हो?